नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा फिटिंग के अंदर मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स पे बात करते हैं कि फिटिंग के अंदर कौन कौन से मेजरिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मेजरिंग टूल से पहले एक बात जानना चाहते हैं, वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन फिटिंग, मतलब फिटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। व्हिच वर्क इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ हैंड ऑपरेशंस टू फिनिश द वर्क टू डिजायर्ड शेप एंड साइज विद रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड रेसी तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार उसकी शेप या साइज तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के फिनिशिंग ऑपरेशंस हैंड के जरिए किए जाते हैं। द मेन ऑपरेशंस ऑफ दीज आर द फॉलोइंग, जो मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किए जाते हैं कौन कौन से हैं, मार्किंग है, चिपिंग है, सॉइंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, इंटरनल थ्रेडिंग और टैपिंग बोल देते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेडिंग और डाइंग बोल देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं टूल्स का, तो उसमें मेजरिंग टूल्स की बात करते हैं। मेजरिंग टूल्स में नंबर एक है दोस्तों कैलिपर्स। दीज आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल टू चेक आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट को ज्ञात करने के लिए दोस्तों स्टील रूल के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। दे आर स्पेसिफाइड बाय द मैक्सिमम लेंथ मेजर्ड। ये जो इनको जो स्पेसिफाई करते हैं कितनी से ज्यादा लंबाई नाप सकते हैं उसके बेस पे करते हैं। साइजेस आर फ्रॉम 100 mm टू 300 mm, और जो इसके साइज होते हैं 100 mm से लेकर के 300 mm तक दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों, ये पहला फिगर आउटसाइड कैलिपर का दिखा रखा है, दूसरा इनसाइड कैलिपर का दिखा रखा है, और ये इनके पार्ट्स दिखा रखे हैं। तो दोस्तों फिगर दे देते हैं और पूछ लेते हैं इसमें नॉब कौन सा, स्क्रू कौन सा, पिवेट कौन सा, लेग कौन सा। तो दोस्तों ये है आपका मेजरिंग टूल में नंबर एक कैलिपर। नंबर दो की बात करें दोस्तों, दूसरा है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। दीज आर यूज फॉर मेजरिंग आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड डायमेंशन एक्यूरेटली। ये शुद्ध तरीके से आउटसाइड या इंटरनली यानी कि बाहरी या आंतरिक डायमेंशंस नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज एज ए डेप्थ गेज। डेप्थ गेज की तरह भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिगर में देखिए आपको 19 मैन स्केल्स डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स इन द वर्नियर स्केल। मैन डिवीजन 19 को जो है 20 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ वर्नियर स्केल के में। हेंस लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 माइनस 19 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.05 mm। तो दोस्तों अगर इसकी लिस्ट काउंट की बात करें तो इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.05 mm। क्वेश्चन आ जाता है किससे, द साइज इज स्पेसिफाइड बाय द मैक्सिमम मेजरमेंट इट कैन बी मेक रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 300 mm। ये 150 mm से लेकर के 350 mm तक की मेजरमेंट के हिसाब से पाए जाते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट। इसकी जो एक्यूरेसी होती है लिस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, वेरिंग फ्रॉम 0.1 टू 0.002। तो ये 0.1 से लेकर के 0.02 तक हो सकती है। अदर टाइप्स ऑफ वर्नियर इंक्लूडिंग डायल वर्नियर, डिजिटल वर्नियर विद मोर एक्यूरेसी ETC। तो इसके अलावा दोस्तों और भी प्रकार के वर्नियर हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमको जो है सारी डिटेल से मतलब नहीं है, कुछ एक प्रकार के से मतलब है। एक वर्नियर किस तरह से होते हैं, ये वर्नियर का होगा आपका। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा वर्नियर हाइट गेज। द वर्नियर हाइट गेज क्लैम्प्ड विद ए स्क्राइबर इज शोन इन फिगर। ये फिगर के अंदर देख लो दोस्तों, ये फिगर सबके ध्यान से देख लेना। इट इज यूज फॉर लेआउट वर्क। लेआउट वर्क के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एन ऑफसेट स्क्राइबर इज यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम द सरफेस। जब सरफेस से मेजरमेंट लेते हैं तो स्क्राइबर की सहायता से लेते हैं। ऑन विच द गेज इज स्टैंडिंग, जिस पर गेज जो है आपका खड़ा हुआ है। द एक्यूरेसी एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गेजेस आर द सेम एज दोज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसका जो प्रिंसिपल है वो वर्नियर कैलिपर की तरह है। द कैपेसिटी ऑफ द हाइट गेजेस इज स्पेसिफाइड बाय द मैक्सिमम हाइट इट कैन बी मेजर। अब जो इसकी जो हाइट जो स्पेसिफाई करते हैं इनको, वो इसकी हाइट के बेस पर कितनी हाइट तक ये नाप सकते हैं। इट इज वेरीज फ्रॉम 150 mm टू 1000 mm। ये 150 mm से लेकर के 1000 mm तक की साइज में पाए जाते हैं। ये दोस्तों इसका फिगर है वर्नियर हाइट गेज का। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर।
दिस इज यूज फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशन एक्यूरेटली। ये देखिए दोस्तों, जब जहां पर उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, वर्नियर किससे भी ज्यादा, तो वहां पर हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट एक्सटर्नल डायमेंशन एक्यूरेटली। ये बाहरी डायमेंशन को शुद्ध रूप से नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिगर शोज़ ए माइक्रोमीटर ऑफ 0 to 25 mm रेंज। ये 0 से 25 mm तक की रेंज वाला माइक्रोमीटर दिखा रखा है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। 0.01 mm दोस्तों इसकी लीस्ट काउंट होगी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो 0.01 mm। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस। ये भी अलग अलग साइजेस उसमें रेंजेस में आते हैं विद इंटरचेंजेबल एनविल्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 25 mm और 2000 mm इन साइजेस एंड 0.01 to 0.001 इन एक्यूरेसी। ये 0.01 से लेकर के 0.01001 एक्यूरेसी तक, यानी कि लीस्ट काउंट तक, ये आपके पाए जाते हैं। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। ये बहुत प्रकार, कई प्रकार के होते हैं। डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पज यूज। स्पेशल पर्पज यूज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। दे इंक्लूड थ्रेड माइक्रोमीटर टू मेजर थ्रेड डायमेंशन। थ्रेड डायमेंशन नापने के लिए थ्रेड स्क्रू माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब माइक्रोमीटर टू मेजर वॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब। ट्यूब की वॉल थिकनेस वगैरह को नापने के लिए दोस्तों माइक्रोमीटर कौन सा, ये आपका जो ट्यूब माइक्रोमीटर होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिखा रखा है। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका है इनसाइड माइक्रोमीटर। पहले वाला था आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। दिस इज यूज टू मेजर इनसाइड डायमेंशन एक्यूरेटली। वो था एक्सटर्नल डायमेंशन एक्यूरेटली नापने के लिए, और ये होते हैं इंटरनल डायमेंशन को नापने के लिए एक्यूरेटली। फिगर में दिखा रखा है दोस्तों, ये रेंजेस इसकी 25 से 150 mm तक की है। एक्सटेंशन रॉड दी हुई है इसकी। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस एक्यूरेसीज। एक्यूरेसीज के हिसाब से अलग अलग रेंजेस में ये पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये इनसाइड माइक्रोमीटर का ये कनेक्टिंग कॉन्टैक्ट रॉड के साथ जो है ये एक्सटेंशन रॉड के साथ ये फिगर दिखा रखा है। तो दोस्तों इनको फिगर्स पर जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। इट इज डिजाइंड टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल्स स्लॉट्स रेसेसिस। ये स्लॉट या डेप्थ या होल्स या रेसेसिस की डेप्थ को नापने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस इज सिमिलर टू द आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही दोस्तों इसका प्रिंसिपल होता है, उसी पे काम करता है। इट्स बेस इज हार्डेंड ग्राउंड एंड लैप्ड टू रिड्यूस वियर, ताकि घिसे ना। तो इसके जो बेस जो होता है और तो बेस और बेस वगैरह को लैप कर देते हैं ताकि वो घिस ना पाए। दीज आर अवेलेबल अप टू ए रेंज ऑफ 300 mm। ये 300 mm तक पाए जाते हैं, और जो इसकी लीस्ट काउंट होती है दोस्तों वो 0.01 mm होती है। इन दिस द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द थिम्बल एंड, यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ लेते हैं, अनलाइक द आउटसाइड माइक्रोमीटर वेयर रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। दूसरे हम किसमें लेते हैं, हम लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसमें किससे लेते हैं, हम राइट टू लेफ्ट। तो दोस्तों ये इसका फिगर हो गया आपका डेप्थ माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है दोस्तों फिलर गेजेस। आपके फिलर गेजेस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द थिकनेस गेजेस भी बोल देते हैं इनको, और फिलर गेजेस भी। आर ए सेट ऑफ गेजेस कंसिस्टिंग ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल ऑफ वेरियस वेरिंग थिकनेस। अलग अलग थिकनेस के हिसाब से इसमें मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। दे आर वाइडली यूज फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग। इनका काम क्या होता है, मेजर करना और चेक करना किसको, बियरिंग क्लियरेंस को। एट बियरिंग आपको पढ़ाया था, तो वहां पर उसके क्लियरेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडजस्टिंग टेपर्स टेपेट्स वगैरह को, स्पार्क प्लग गैप्स एंड सो ऑन, इनको चेक करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0.05 to 0.5 mm। जो इसकी थिकनेस होती है वो 0.5 mm टू लेकर के 0.5 mm तक हो सकती है। 0.05 to 0.5 mm ये फिलर गेज का फिगर दिखा रखा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों रेडियस गेज। ये रेडियस गेज का फिगर दिखा रखा है, ऑल्सो नोन एज फिलेट गेजेस भी बोल देते हैं इसको। दीज आर ऑफ थिन प्लेट स्टील टूल। ये जो है थिन प्लेट के बने होते हैं, स्टील टूल होते हैं, यूज फॉर इंस्पेक्टिंग
एंड चेकिंग, इंस्पेक्ट और चेकिंग करने के लिए किसकी, हेल्ड इज वेल्ड और लेइंग आउट वर्क हैविंग ए गिवन रेडियस, मतलब जो उसका जो वर्क का जो है रेडियस वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच ए गेजेस इज मेड इन सेट्स ऑफ इंडिविजुअल गेजेस फॉर मेजरिंग कॉनकेव यानी कि इंटरनल और कॉन्वेक्स इंटरनल रेडियस, अलग अलग नापने के लिए दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों रेडियस गेज की फिगर दिखा रखी है। नेक्स्ट है हमारा आपका स्क्रू पिच गेजेस। ए स्क्रू पिच गेजेस इज यूज फॉर क्विकली डिटरमाइनिंग द पिच ऑफ थ्रेड पार्ट और टेप होल, टेप होल की थ्रेड को नापने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। द गेजेस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ टेम्पलेट्स ऑफ टीथ, टीथ के हिसाब से इसमें टेम्पलेट होते हैं, ईच कंफर्मिंग टू ए स्टैंडर्ड पिच, स्टैंडर्ड पिच के हिसाब से। और नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा इसके अंदर आ जाता है वो आपका ड्रिल गेजेस। ये फिगर दिखा रखी है लास्ट में ड्रिल की, इधर ये ड्रिल गेजेस का इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है। थिन सीट्स होती है ये विद होल्स ड्रिल्ड एक्यूरेटली टू द साइज मार्क्ड आर यूज्ड एज ड्रिल गेजेस। ड्रिल गेजेस के साइज के हिसाब से इसको मार्क कर लेते हैं फॉर इजी सिलेक्शन एंड चेकिंग ऑफ ड्रिल साइजेस। दिस इज वेरी मच यूजफुल व्हेन द ड्रिल्स साइज मार्क्ड ऑन द ड्रिल, जब ड्रिल पर मार्क करना होता है साइज वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। वियर आउट ओवर रिपीटेड यूजेस, रिपीटेड यूजेस पे घिसे ना वहां पर। दीज गेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल एज स्टैंडर्ड फॉर लेटर ड्रिल्स एंड नंबर ऑफ ड्रिल्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो छोटे बड़े साइज के भी जो होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे चल रहे हैं मैजिंग टूल। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और हमारा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।